नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। कल कार्तिकीय पूर्णिमा पर साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा और भारत में चंद्र ग्रहण देखने के कारण इसका सूतक काल जो है वो मान्य होगा। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण को देखा जाएगा, लोग इसे देख सकेंगे, देखने को मिलेगा। वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो बाकी जगहों पर आकांक्षीय चंद्र ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। बताना चाहेंगे कि 8 नवंबर को शाम के समय जैसे ही चंद्रोदय होगा वैसे ही चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण शाम को 6:19 पर खत्म होगा। 8 नवंबर यानी मंगलवार को देश दुनिया में साल 2022 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। और बताना चाहेंगे कि ग्रहण जो है पूर्ण चंद्र उदय होगा। इस दौरान 15 दिनों के अंतराल पर ये दूसरा ग्रहण होगा और इसके पहले बीते 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगा था। भारत में चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा जिसके कारण ग्रहण का जो सूतक काल वो होगा वो मान्य होगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले लगेगा। भारत की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। भारत में जैसे कि हमने बताया 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में जो है वो चंद्र ग्रहण जो है यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली की तिथि पर लगेगा। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 25 अक्टूबर को साल का आखिरी जहां सूर्य ग्रहण लगा था वहीं अब ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। और दिवाली के अगले दिन कार्तिक की अमावस्या भी थी जब सूर्य ग्रहण लगा था। भारत में चंद्र ग्रहण शाम होते ही दिखने लगेगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण जो है वो दुनिया में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:32 पर दिखाई देने लगेगा, लेकिन भारत में शाम को चंद्र उदय के साथ दिखाई देगा। भारत की बात करें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी हिस्सों में भी जैसे ईटानगर, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, रांची आदि शहरों में भी दिखेगा। वहीं हम आकाशीय चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो आकाशीय चंद्र ग्रहण के कई शहरों में दिखेगा। दुनिया के अन्य हिस्सों की अगर बात करें तो ये चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में भी नजर आएगा। तो कल जो है वो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप जुड़ना ना भूलिए इंडिया न्यूज के साथ।